क्या करें यार, एक माइक चाहिए ब्लॉगिंग के लिए। चलो एक बार देखते हैं, चलो अमेज़ॉन पे कौन सा बढ़िया सा रहेगा। चलो देखे तो जरा कौन सा सही रह रहा है माइक। बोया बाय MM1 1500 में, चलो क्लिक देखते हैं। काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार देखने। शॉट गन कंपैटिबल विद आईफोन एंड्रॉयड, ओके ये सही लग रहा है वैसे। लेकिन इसको लगाने के लिए ट्राईपॉड भी तो चाहिए होगा। ट्राईपॉड देखते हैं कौन सा बढ़िया रहता है। चलो गोरिल्ला पॉड देखा था इसके लिए वैसे। गोरिल्ला पॉड ओह ये वाला डिजिटेक का, इसमें अपने को क्या मिल रहा है, रिमोट भी मिल रहा है। वाह दैट्स इनक्रेडिबल। चलो इसको अपन ऐड टू कार्ट करते हैं और दोनों को एक साथ बाय करवाते हैं। चलो बाय करते हैं इसे, वेट करेंगे। अरे अमेज़ॉन की तरफ से नोटिफिकेशन, तो यहाँ लिखा है योर पैकेज इज डिलीवर सेफली टू कार्ट। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। क्या करें, रात बहुत है, अच्छे से नहीं बनेगी वीडियो। टाइम स्विच करते हैं, दिन का टाइम आ जाए। भाई आ गया। व्हाट, कभी कभी लगता है कि आप पुनीत भगवान है। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉगिंग चैनल। सो गाइस इस चैनल की फर्स्ट वीडियो, एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बोया MM1 माइक यूनिवर्सल कार्डियो माइक्रोफोन के बारे में। एंड इसके साथ मैंने डिजिटेक का ट्राइपॉड खरीदा, ताकि ये उसके ऊपर ही सेट होता है वैसे, इसलिए खरीदा है। और साथ में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अब से अपन ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे इस चैनल पे। मैं आर्ट वाले चैनल को ओनली आर्ट के लिए बना दिया, ब्लॉगिंग अब से इस पे होगी। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अनबॉक्सिंग करेंगे एंड रिव्यू दूंगा मैं, एडियो टेस्ट दूंगा इनडोर आउटडोर विद डेड कैट एंड विदाउट डेड कैट। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि किस किस मोबाइल फ़ोन के साथ ये जुड़ सकता है, कौन से मोबाइल फ़ोन में ये वर्क नहीं करता, और अगर नहीं करता तो उसके लिए क्या सेटिंग्स है, क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस सबसे पहले बॉक्स के अंदर की बात करते हैं, बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है सबसे पहले एक बोया का MM1 माइक कार्डियो शॉटगन माइक, तो और उसके अलावा आपको मिलेगा एक डेड कैट जो कि एयर्स को, जो भी हवा आती है उस वगैरह को कम करता है, रोकता भी ज़्यादा तक कम करता है वैसे। और आपको मिलेगा एक TRRS 3.5 mm केबल कनेक्टर जो कि आपके मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, मैक एंड टैबलेट में लगेगा। और उसके अलावा मिलते हैं 3.5 mm TRS कनेक्टर जो कि लगेगा आपके GoPro एंड DSLR कैमरा पे। उसके अलावा आपको मिलते हैं कुछ मैनुअल और एंड बोया का सर्टिफिकेट टैग, बोया के स्टिकर्स और सिलिका जेल मिलता है ताकि जो स्मेल ठीक ठाक रहे, वो स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसा कुछ करते हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है आपको। तो आपको मिलेगा एक माइक मिलता है आपको, तो उस माइक को अपना जो बोया बाय MM1 माइक है उसको आपको कनेक्ट करना है शॉक माउंट पे। शॉक माउंट मिलता है, वो क्या करता है कि जो मतलब शॉक वेव्स होती है, शॉक वेव्स मान लो आप भागते भागते वीडियो बना रहे तो ऐसे से हिलेगा, तो जो रनिंग के वक्त ऐसे भर रिजर्व साउंड होती है वो नहीं आने देता है, काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो उस पर आपको उसे कनेक्ट करना है, एंड आपको लेना है 3.5 mm TRS कनेक्टर। तो उसके साइड, एक साइड बना होगा आपका माइक का वो जो सिंबल बना होगा, स्टिकर बना होगा, एक साइड बना होगा अपने फ़ोन का,
तो फ़ोन वाले को अपने जो माइक्रोफोन जैक होते हैं वहाँ पे लगा देना है, और जो अपना माइक का है वो माइक पे लगा देना है। एंड उसके बाद आप जो फरी विंडशील्ड और उसे डेड कैट भी कहते हैं, दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो उसको लगा देना अपने माइक के ऊपर। एंड अब आपको चाहिए एक ट्राइपॉड, तो गोरिल्ला ट्राइपॉड लीजिए, काफ़ी बढ़िया है। तो उसके ऊपर आपको वहाँ से लॉक कर देना है, फिर सर्कल है इसको घुमा दीजिए, वो लॉक हो जाएगा परफेक्टली एंड यू आर रेडी टू गो। गाइस अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपका प्रोडक्ट है इसको आप ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये रियल है या फेक है। तो गाइस इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं वैसे तो हाँ गाइस, तो सबसे पहला जो है वो है ये, तो ये है बोए का क्वालिफाइड सर्टिफिकेट कार्ड। तो अगर ये आपके पैकेज के अंदर है तो चांसेस है कि ये रियल है। एंड और अगर आपको चांसेस बढ़ाने हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट में इस साइड देखिए, तो यहाँ पे आपको एक एरो दिखता है, तो इसको जब अगर निकालेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी लंबा ये वाला बीच वाला, तो काफ़ी सारे कोड दिखेंगे। तो ये जो सारे कोड हैं ना, इसका आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है आपको बोया माइक सिक्योरिटी कोड। तो यहाँ पर सिक्योरिटी कोड वाली फ़र्स्ट साइट पर जाना है। जैसे साइट ओपन करेंगे आप तो यहाँ पे कोने में इस साइड देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डाला है प्लीज़ एंटर योर सिक्योरिटी कोड, मैंने ऑलरेडी डाल लिया है। तो डालने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा आएगा, अगर मैं फिर से डालूँगा तो नहीं लिखा आने वाला मेरे लिए, क्योंकि एक बार यूज़ होता है ये, तो इसमें ये पता चल जाता है, अगर नहीं आया ना तो ये चांसेस होता है कि ये ऑलरेडी यूज़ है या तो किसी और ने स्कैन कर दिया इसके कोड को, तो ऐसा है। एंड एक और तरीका बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे पिंक कलर में, तो यहाँ बोया लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, मैंने जैसे एक गिलास पानी का लिया है, यहाँ पे उंगलियों पे 2-3 बूंदे पानी की डाल के हमें इसके ऊपर लगाना है। एंड देख सकते हैं आप, बोया पूरी तरीके से मिट चुका है, यहाँ पे पानी की वजह से बोया का जितना भी दिख रहा था मिट चुका है, और थोड़ी देर बाद ये वापस साफ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, बस हाथ से इसको सारा पानी निकाल देना है। आपको धीरे धीरे बोया दिख रहा होगा वापस, तो ये देखिए फिर से पूरा जो टैग है वो वापस आ चुका है पानी के बाद लगाने के बाद, मतलब ये आपको टैग दिखेगा, तो ये जो आपका प्रोडक्ट है वो रियल है। तो अब बात करते हैं अगर आपके फ़ोन में ये ना यूज़ हो पा रहा हो, तो अगर आपके फ़ोन में सीधा यूज़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो वेरी गुड, आपका फ़ोन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो अभी ये ट्रिक है जो रियलमी एंड ओप्पो फ़ोन में वर्क करती है, उनमें होती है सेटिंग। तो सेटिंग में जाना है आपको, सेटिंग ओपन करने के बाद जाना है आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में, उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आके आपको मिलेगी अदर सेटिंग। अदर सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग वाले मिलेंगे, तो उसके बाद वहाँ पे आपको दिखेगा ऐड ऑन। तो जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, तो उसमें से आपको ऐड ऑन पे क्लिक कर देना है। तो उससे क्या होगा, जो भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन होगा तो उससे अब आवाज़ रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। मतलब रियलमी में ऐसा है, ओप्पो रियलमी में, कि वो अब आप सेट कर सकते हो कि आपको एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ करना है या फिर नहीं, तो जब भी कनेक्ट होगा तब वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये फ़ायदा है। और अगर आपके फ़ोन में अब भी नहीं चल रहा है, जो कि हो सकता है, मैंने देखा नहीं किन फ़ोन में नहीं चलता, मेरे को रियलमी ओप्पो ये मेनली पता है, तो नहीं चल रहा है, तो आपको डाउनलोड करना है ओपन कैमरा ऐप। ओपन कैमरा ऐप डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लीजिए। और उसको डाउनलोड करने के बाद अब जब आप खोलेंगे तो आपको माइक कनेक्ट करना है, सिंपली सेटिंग में जाना है, वीडियो सेटिंग में जाके आपको माइक वाला जगह मिलेगी, तो वहाँ पे आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन वाले को ऑन कर दीजिए एंड अगेन यू आर रेडी टू गो। सो गाइस अब हम अपने बोया बाय MM1Y का टेस्ट करने जा रहे हैं। ऑडियो टेस्ट करेंगे, सबसे पहले इंडोर करेंगे हम विदाउट फरी विंडशील्ड डेड कैट एंड विद डेड कैट, और बिना माइक के भी करेंगे कि मेरे स्मार्टफोन रियलमी 7 से कैसी हो जाती है एंड आपको डिफरेंस पता लगेगा। उसके बाद हम बाहर चलेंगे, बाहर भी सेम प्रोसेस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इंडोर। तो अभी जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं ये है मेरे स्मार्टफोन से, एंड अभी माइक कनेक्टेड नहीं है, स्मार्टफोन से वॉइस है। मैं आपको रेंज दिखा देता हूँ, बस एक हाथ की दूरी है मेरे यहाँ से स्मार्टफोन तक, और आवाज़ का आपको पता चल रहा होगा। एंड अब मैं आपको माइक कनेक्टेड फिर आवाज़ सुनना, आप तो आपको पक्का डिफरेंस लगेगा, तो अच्छे से सुनिए, वॉल्यूम हाई करके पता लगेगा आपको। और जो आप अब आवाज़ सुन पा रहे हैं ये है मेरे बोया बाय MM1 कार्डियो शॉटगन माइक्रोफोन से, सो डिफरेंस पता लग रहा होगा आपको।
और मैं अपना भी रिव्यू दूंगा ज़रूर, वीडियो के एंड में अपना खुद का रिव्यू भी दूंगा और इंडोर आउटडोर चेक करके मैं। और कैसी लग रही है आवाज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अब हम चलेंगे आउटडोर और वहाँ पर जाके टेस्ट करते हैं। सो गाइस, अब जो आपको साउंड आ रही है ये आ रही है मेरे स्मार्टफोन के थ्रू। मेरा स्मार्टफोन है रियलमी 7 एंड इसके जो माइक है उसके थ्रू आवाज़ आ रही है। तो बताइए कैसी आ रही है इस साइड से, वहाँ से व्हीकल्स की भी साउंड आ रही है। अभी तो काफ़ी कम है एंड नॉर्मल विंड चल रही है बिल्कुल। और अब चलो स्विच करते हैं माइक के। सो गाइस, अब जो अब आप आवाज़ सुन पा रहे हैं ये आ रही है मेरे बोया बाय MM1 माइक के थ्रू। एंड डिफरेंस बताइए कितना अच्छा आ रहा है। मैं बाहर आया हूँ बालकोनी छत पर, काफ़ी सही हवा चल रही है यहाँ पे, नॉर्मल विंड, ओके नॉर्मल जैसे चलती है। कबूतर वबूतर हैं यहाँ पे काफ़ी सारे और वहाँ से उस साइड से आपको व्हीकल्स की भी साउंड आ रही होगी, तो बताना ज़रूर कैसी आ रही है। तो गाइस अब मैं इसकी रेंज टेस्ट करने जा रहा हूँ, तो जहाँ तक आवाज़ आए मैं इसी आवाज़ में वहाँ तक बोलूँगा, तो बताना ज़रूर कैसी साउंड आ रही है, ठीक है। अभी मैं दूर जा रहा हूँ आराम से, यहाँ पे 3 मीटर तक का हो चुका है, और दूर और दूर ये चुका है हमारा 5 मीटर। एंड अब आई थिंक साउंड ना आ रही हो, मुझे नहीं लग रहा साउंड आ रही हो, अब तो बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए। वैसे तो काफ़ी दूर हो चुका हूँ मैं, यहाँ अराउंड 15 मीटर के करीब हूँ, तो वापस आ जाता हूँ। चलो मैं वहाँ तक तो मुझे लग नहीं रहा साउंड आई होगी इतनी दूर, तो 6-7 मीटर तक तो आ ही चुकी होगी बस। ओके सो गाइस, अभी मैं खुद शौक हो चुका हूँ क्योंकि जब मैं वहाँ तक गया था उस कोने में, तो यहाँ पर रखे हैं वो पॉट्स दिख रहे होंगे, उस कोने से लेके उस वहाँ पे मैंने अपना ट्राईपॉड लगाया था गोरिल्ला पॉड, ताकि वहाँ पे सेट हो जाता। तो यहाँ पे अराउंड 15 मीटर तक की रेंज होगी और उससे भी कम हो सकती है, 11-10 मीटर तक मान के चलो। तो मुझे नहीं लगा था कि इतनी आ जाएगी, लेकिन काफ़ी सही रहा अपना टेस्ट, मतलब कि इतनी दूर तक तो आपकी आवाज़ आ जाती है आउटडोर में। और इंडोर में भी इंडोर में तो काफ़ी बढ़िया आती है, शांत रहता है कमरा, आउटडोर मेन रहता है ब्लॉगर्स के लिए, बाहर ही तो घूमना है, भागते हैं कुछ दूर तक। ओके अब जंप भी करेंगे यहाँ पे। एंड बताइए, मैं नॉर्मल रनिंग कर रहा हूँ जितनी जॉगिंग करते हैं, जॉगिंग पता ही आपको, कोई बहुत तेज़ भाग नहीं रहा, मैं नॉर्मल जंप्स लगा रहा हूँ बस। तो बताइए कैसा डिफरेंस लगा माइक। सो गाइस, अभी वापस कमरे में आ चुके हैं हम एंड वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और कैसे रहा सारा टेस्ट और सब कुछ, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साइड में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि ऑल पे सेट करना है उसे, ताकि आपको हमारी नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले मिले। और मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, मुझे ये माइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा इस प्राइस में, और ऐसा माइक मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड परचेज इट। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अमेज़ॉन पे चेकआउट कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।